हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ विद हैप्पीनेस में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं रक्षा शॉप डैम, जो कि बेलगांव से है, लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और मेरे पीछे देखिए दोस्तों, जहां पे भी आपको जो है नज़र जा रही है, पानी पानी भरा हुआ है। और बीच में जो है दोस्तों, यह जो है नदी आकार में जो है काफ़ी जो है लंबा है दोस्तों ये, और बहुत दूरी तक जो है ये भरा हुआ है दोस्तों। देखिए इस साल जो अच्छी बारिश हुई है दोस्तों, आगे वीडियो में देखते हैं पूरा डैम। जी हाँ दोस्तों, हम निकल चुके हैं रक्षा शॉप डैम, जो कि जो है लगभग बेलगांव सिटी से जो है 20 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और यह जो है बेलगांव सिटी के लिए जो है दोस्तों, मुख्यतः जो है पानी का जो है जल स्रोत है। और सबसे जो है बेलगांव का पुराना डैम भी है दोस्तों, 1960 में जो है इस डैम का जो है, जहाँ पर हम जाने वाले हैं, उस डैम का निर्माण हुआ था दोस्तों। और यह जो डैम है वो दोस्तों मार्कंडेय जो है नदी, उस पर जो है बना हुआ है। और बेलगांव से जो है बैंकनहल्ली जो होते हुए आगे की तरफ जो है आपको जो है रक्षा शॉप जो डैम है वहाँ पर जो है आप जो है पहुँच सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल सिटी के जो है आउटस्कर्ट में है ये। और लेकिन रास्ता इतना अच्छा है यहाँ पर दोस्तों, पूर्व दोनों तरफ जो है सुंदर से जो है खेत हैं, और साथ ही जो है पेड़ भी जो है रोड के साइड में जो है काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं। और अभी जो हम जो है रक्षा शॉप डैम जो है उसकी जो पुलिया है वहाँ पर पहुँचे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी जो है मेन रोड पे ही है। और सामने जो आपको गेट दिखाई दे रहे हैं, यह जो है डैम के जो है दोस्तों गेट है इसके, बिल्कुल जो है यहाँ सकड़ी सी जो है पाल यहाँ पर आई हुई है। लेकिन आगे जो है इसका भराव क्षेत्र काफ़ी फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ जो दो पहाड़ियाँ हैं उसके बीच में इस प्रकार से आई हुई है। और पीछे जो है दोस्तों, यहाँ से जो पुलिया की इधर से जो है पानी जो आगे की तरफ जा रहा है, जो भी ओवरफ्लो हो रहा है, लगभग जो है यहाँ पर जो है नहाने के लिए भी जो है आते रहते हैं आसपास के गांव के जो भी लोग हैं। बहुत ही जो है इस सुंदर जो है, और ये जो है दोस्तों रक्षा शॉप जो डैम है वहाँ पर जो है मेन इनका जो है ऑफिस कह सकते हैं आप, या जो जल विभाग होता है, जल संसाधन विभाग होता है, उसका जो है ऑफिस है। और यहीं पर जो है गेट रहता है, यहाँ पर दोस्तों एंट्री नहीं है आगे पालपड़ जाने की, केवल ऑथराइज जो पर्सन है उन्हीं को जो है यहाँ पर जो है आगे जाने की अनुमति है। यहाँ देखिए सुंदर से जो लंबे लंबे नारियल के पेड़ जो हैं इस बांध की जो है पाल की तलहटी में जो है लगे हुए हैं दोस्तों, बहुत ही जो है हरा भरा और एकदम सा जो है शानदार सा जो क्षेत्र। और इसके साइड से जो है दोस्तों एक रास्ता जाता है, कच्चा रास्ता, जो कि जो है बिल्कुल पानी के पास जो आपको ले जाता है। और वहीं पर जो है हम जा रहे हैं, मैं आपको ले जाने वाला हूँ बिल्कुल। ये देखिए इधर से जो है इस कच्चे रास्ते से जो है बिल्कुल पानी के पास में जो है, और यहीं पर जो है लोग बाग जो है दोस्तों आते हैं शाम के समय इस डैम पर जो है दोस्तों। शाम के समय आप आइए तो और भी जो है, इवनिंग में जो जब सनसेट होता है तो वह जो देखने लायक नज़ारा होता है। और इसके अलावा भी लोग जो है यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं दोस्तों। और ये देखिए रास्ते में जो है पानी आ गया है, तो गाँव वाले यहाँ पर भैंस वगैरह जो है उनको नहला रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लोहे की जाली भी लगा रखी है, ताकि यहाँ से जो आगे कोई भी है, चाहे जानवर हो या जो है कोई भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं, वो आगे की तरफ नहीं जाएं, ताकि जो है किसी प्रकार की उनको जो है जान माल की जो है क्षति नहीं हो। ये देखिए इस प्रकार से जो है बैरिकेड्स लगा रखे हैं, फिर भी यहाँ से जो रास्ता आगे है दोस्तों, और आगे तक मैं आपको जो है दिखाऊँगा। अब जो है दोस्तों बिल्कुल हम पानी के पास में आ गए हैं आगे की तरफ, गाड़ी हमने साइड में पार्क कर दी है। यहाँ पर जो है दोस्तों फोर व्हीलर भी आप जो है यहाँ तक ला सकते हैं, और कई सारे लोग तो यहाँ पर जो है आके पार्टी वगैरह करते हैं, जिसमें जो है यहीं पर जो है खाने पीने का बनाते हैं। और मस्त जो है इसके सहारे बैठ के बांध की जो सुंदर सी जो है ठंडी ठंडी हवाएं आती है। और इसके अलावा जो ये जो पानी की कलकल की आवाज़ है, यह भी जो है आपको जो है एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का जो है मौका देती है दोस्तों। और ये जो बांध जो है दोस्तों इसका हाँ दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर जो है इधर साइड में जो है आप आराम से जो है पानी का जो है देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बांध के किनारे दोस्तों, यहाँ पर पीछे जो है चेतावनी बोर्ड भी लगा हुआ है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो देखिए पानी में जो है सावधान, आपको आगे नहीं जाना है, आगे जाना मना है, ऐसा करके साइनेज बोर्ड भी लगा हुआ है। लेकिन देखिए बहुत दूर तक जो है पानी भरा हुआ है, काफ़ी जो है बड़ा जो ये डैम है। और यहाँ पर जो आने का टाइम जो है दोस्तों, आप मई से जो है सितंबर के बीच में आ सकते हैं, सितंबर महीने में और अच्छा रहता है यहाँ पर आना, ताकि जो है बारिश भी रुक जाती है, थोड़ा बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों यहाँ पर।
और साथ में जो है साइड में कितने देखिए यहाँ पर जो है पेड़ पौधे भी जो है लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा रक्कासोप डैम, एक दूसरा जो व्यू पॉइंट है उसको भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।